देश में 15 से 18 साल के किशोरों का कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। अब तक 70% किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 से 15 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट कमेटी से सिफारिश मिलने के बाद सरकार जल्द से जल्द 5 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू कर देगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि वैज्ञानिकों की सिफारिश के बाद ही फैसला लिया जाता है कि किसे और कब वैक्सीन लगानी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन डोज की कोई कमी नहीं है, जैसे ही हमें सिफारिश मिलेगी हम 5 से 15 साल के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन भी शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार को ऐसी सिफारिश नहीं मिली है और सिफारिश के आधार पर ही वैक्सीनेशन पर कोई फैसला होगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए सीरो सर्वे में देश के 67% बच्चों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली थी। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने बताया है कि कोई भी सिफारिश करने से पहले वैज्ञानिक स्टडी करते हैं। पहले हम दुनिया को फॉलो करते थे, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिक अपना एनालिसिस कर रहे हैं। मंजूरी मिली भी तो क्या वैक्सीन है? सवाल उठता है कि अगर सरकार की ओर से मंजूरी मिल भी गई तो क्या 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देश में वैक्सीन है? फिलहाल भारत बायोटेक की वैक्सीन ही है जिसके ट्रायल 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों पर हुए हैं। अभी कोवैक्सीन ही 15 से 18 साल के बच्चों को दी जा रही है। कोवैक्सीन को सरकार ने 12 साल से ऊपर के बच्चों पर आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन के अलावा सरकार ने कोवोवैक्स को भी मंजूरी दी है। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये वैक्सीन 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होगी, हालांकि इसे अभी आने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।